सो आज की सुनो फ्रेंड्स, दिखाने वाला आप कैसे यहाँ पे पैन कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे। आज की सुनो फ्रेंड्स, दिखाने वाला अगर आपने पैन कार्ड में किसी तरह कनेक्शन करवाया, फोटो में, नेम में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, फादर नेम में, रिलेशनशिप में किसी तरह आपने कनेक्शन करवाया, तो ऐसा स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि वो पैन कार्ड बन के रेडी होकर पोस्ट ऑफिस डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, उसका स्टेटस आप सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने छोटी तरीके से वीडियो सुनाई कीजिए, अगर चैनल पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, बैल को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लिया। आपको कोई सा भी गूगल साइट को आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने गूगल यहाँ पे साइट मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखिए आपको सर्च करेंगे पैन कार्ड स्टेटस, लिख के जैसे सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलकर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस ट्रैक सर्च ऑफ NSDL पैन कार्ड, यानी कि अगर आपने NSDL पैन में किसी तरह का कनेक्शन आपने करवाया है, तो फोटो में, नेम में, फादर नेम में, किसी में इसका स्टेटस यहाँ पे अप्लाई करने में इसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कंपनी को चेक करना चाहते हैं, अगर आपने UTI कंपनी के वेबसाइट से आपने यहाँ पे कनेक्शन करवाया है, तो देखिए यहाँ पे UTI यहाँ देखिए ट्रैक ऑफ योर एप्लीकेशन, यहाँ से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे NSDL पैन कार्ड से मैंने यहाँ पे इसकी वेबसाइट से थ्रू यहाँ पे मैंने कनेक्शन करवाया, तो हमारा NSDL का पैन कार्ड बना हुआ है। मैं यहाँ देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे स्टेटस ट्रैक सर्च ऑफ पैन NSDL पे क्लिक कर देता हूँ। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के रिडायरेक्ट आप करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड न्यू चेंजेस रिक्वेस्ट, अगर आपने यहाँ पे 10 पैन न्यू कार्ड के लिए रिक्वेस्ट का नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करा था, यानी कि कनेक्शन के लिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, यानी कि जब भी आपने फॉर्म अप्लाई कराएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहाँ पे पेपर मिलेगा। चलिए दिखा देता हूँ किस तरह का रहता है। देखिए आपको इस तरह का पेपर मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे शो करा दीजिएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ से कॉपी कर लेना पड़ेगा, यही नंबर आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। यही एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, जैसा कैप्चा स्मॉल कैपिटल में, उसी तरह से ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे आपको दिखा दे रहा है स्मॉल कैपिटल में, सेम और सही से आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पेस्ट किया, चलिए मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए कैप्चा मेरा गलत है, चलिए मैं यहाँ से इसको सही कर ले रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का पेज खोलकर रिडायरेक्ट आपको करा दिया। देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि एप्लीकेशन चेक करने का ये यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि जो मेरा पैन कार्ड नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए नेम, ये नेम हमारा इस बॉक्स में शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी, यानी कि इंडिविजुअल मेरा पैन कार्ड है। देखिए स्टेटस यहाँ पे आपको दिखा देगा, देखिए योर पैन हैज़ बीन डिस्पेस ऑन 16 दिसंबर 2022, यानी कि ये मेरा पैन कार्ड, यानी कि जो मैंने पैन कार्ड में कनेक्शन करवाया है, वो यानी कि कनेक्शन होकर, यानी कि 16 दिसंबर को पोस्ट ऑफिस की तरफ वहाँ पे भेज दिया गया है। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे एक बिल नंबर आपको दिखा देगा, यह बिल नंबर आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसके लिए कॉपी करेंगे, चलिए इसके बाद क्या करना है मैं आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। यह नंबर को आपको कॉपी कर लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर आप जाना पड़ेगा। चलिए मैं पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर मैं चल जाता हूँ। देखिए आपको जैसे गूगल में सर्च करेंगे पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग, आपको देखिए फर्स्ट में सोचेगा ट्रैकिंग, देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो अपना नंबर अभी कॉपी करा बिल नंबर, वो कॉपी नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये कैप्चा आपको जैसा दिखा दे रहा है कैप्चा उसी तरह यहाँ फिल करेंगे, इसका सर्च के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ पूरी तरीके से। अब देखिए यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे डाटा मेरा यहाँ पे स्लो चल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ गलत ले लिया, चलिए मैं सही से यहाँ पे फिल कर देता हूँ यहाँ से। अब देखेंगे इस तरह कंट्री पे स्कूल का रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे किस डेट को किस पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच हुआ, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 17/1/2022 को, यानी कि देख सकते हैं 20, यानी कि आपको यहाँ पे 8:13:31 में, यानी कि दादर BPC पोस्ट ऑफिस से, यानी कि फिर दादर पोस्ट BPPC पोस्ट ऑफिस गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद तब यहाँ पे 19/2022 यानी कि 22 8:52 पर देखिए पटना RCM या पोस्ट ऑफिस पे गया था। इसके बाद देखिए 19/2022 को पटना RCM इस पर पोस्ट ऑफिस में जाकर गया था लास्ट, यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच होगा वो आपको यहाँ पे उस टाइम डेट आपको दिखा देगा। जो मेरा देखिए यहाँ पे लास्ट, यानी कि देखेंगे यहाँ पे 24/2022 के फरवरी से मैं पहुँचा था ये मेरा, यानी पैन कार्ड जो पार्सल है,
लास्ट हमारे जो हमारा पोस्ट ऑफिस गया, देखिए यहाँ पे 24/2022 को यानी कि 2:54:26 पे सिमरा पोस्ट ऑफिस में यानी कि डिलीवर हो चुका था। ये मेरा पोस्ट ऑफिस है यानी कि डिलीवर कंफर्म हो चुका है, यानी कि मेरा जो पोस्ट ऑफिस है मेरा पार्सल वहाँ पे पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पे कंफर्म आपको दिखला दिया, जिस डेट को आपका लास्ट जिस पोस्ट ऑफिस में आपका पहुँचेगा वो आपको यहाँ पे शो करा दिया, जैसे मेरा यहाँ पे डिलीवर कंफर्म हो चुका है। सो आप इस तरह से यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड का यहाँ पे स्टेटस, यानी पैन कार्ड आपके पोस्ट ऑफिस डिस्पेज हुआ या नहीं हुआ कंफर्म वहाँ पे कर सकते हैं। सो आपकी वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।